राधे राधे सभी को वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं मोदी जी का स्केच करने वाला हूँ, उनके साथ साथ कुछ सनातन धर्म का अपना सैम्बल भी यूज़ करने वाला हूँ, कुछ गॉड्स के क्रिएशंस को भी अपने पोर्ट्रेट में दर्शाने वाला हूँ। एंड होप करता हूँ आप लोगों को ये पोर्ट्रेट एंड ये यूट्यूब वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। एंड वीडियो को करते हैं जल्द से स्टार्ट। सो इस पोर्ट्रेट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 250 GSM का ब्रोस्टो पेपर एंड मैं यहाँ पे 0.5 का मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ फॉर मेकिंग आउटलाइन। एंड मैं थोड़ा थोड़ा आउटलाइन पहले बना चुका हूँ ताकि रेफरेंस मिल जाए एंड मैं आगे का प्रोसेस ठीक से कर सकूँ। तो जब मैंने मोदी जी का आउटलाइन बनाना शुरू किया था तो मुझे पता चला कि ये जो मोदी जी का जो फिगर हो रहा है फेस फिगर, वो जो 4A4 साइज पेपर में वो थोड़ा छोटा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा मैक्सिमाइज करने के लिए, थोड़ा और ऊपर नीचे देने के लिए मैं कुछ और एडिट कर दूं और कुछ विजुलाइजेशंस खुद से मेमोरी से डाल के अपने मोदी जी को और थोड़ा सा इन्हेंस करूं उनका पोर्ट्रेट को। एंड इसी को मैं ध्यान में रखते हुए पूरे इमेज को बनाने की कोशिश किया है। एंड होप यू लाइक द स्केच। एंड इसमें मैंने यहाँ पे ब्रोस्टो का पेंसिल कलर एंड डोम्स का पेंसिल कलर यूज़ किया हूँ ताकि पूरा स्केच को फिलअप कर सकूँ। एंड मैं यहाँ पे पहले फर्स्ट लेयर देने वाला हूँ एंड उसके बाद ही मैं धीरे धीरे उसके ऊपर अपर लिपिंग करूँगा। एंड मोस्टली मैं बता दे रहा हूँ कि कहीं कहीं पे आप लोगों को वीडियो छुटा हुआ मिलेगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बन रहा था तो मैंने क्लिप छोड़ दिया है। एंड ताकि जहाँ पे ज़्यादा हार्ड वाला ना हो, जहाँ पे ईजिली जो चीज़ बन जाए वो चीज़ को मैंने अपने इस वीडियो में नहीं शो किया है। एंड होप यू एंजॉय द वीडियो। एंड मैंने यहाँ पे फॉर स्मूथ सरफेस मैंने यहाँ पे वाइट पेंसिल कलर डोम्स पेंसिल कलर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया ताकि जो भी कलर, जो क्योंकि बहुत रफेस्ट सरफेस होते हैं ब्रोस्टो का, रफेस्ट पेपर होते हैं वो। एंड मैंने यहाँ पे एवरी के ऊपर यूज़ तो किया नहीं हूँ कि वो थोड़ा सॉफ्ट प्लेन होता है एंड ब्रोस्टो का थोड़ा सा रफ होता है तो उसको मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पे वाइट डोम्स कलर यूज़ कर रहा हूँ। और गाइज मैं यहाँ पे जो मोदी जी के जो बियर्ड्स है वो वाइट कलर के थे तो मैंने यहाँ पे वाइट जेल पेन यूज़ किया हूँ। पहले मैंने वाइट स्किन टोन दे चुका हूँ था और उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट जेल पेन यूज़ किया हूँ। एंड विद द सेम प्रोसेस मैं लेयर बाय लेयर मैं इनका जो मैं ब्लेजर पहने उन्हीं को मैं पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ और इसी तरह मैं पूरा स्केच को लेयर बाय लेयर एंड स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करूँगा। बेसिकली मैंने इस पोर्ट्रेट के माध्यम से मोदी जी के साथ अखंडता को संबोधित किया है। और मैंने यहाँ पे मोदी जी का जो कि ग्रेट लीडर है उनको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया हूँ। यहाँ पे मैं मोदी जी के साथ साथ लॉर्ड शिवा शिवलिंग एंड लॉर्ड शिवा फेस एंड जगन्नाथा एंड कुछ हिंदू कल्चर्स के जैसे गंगा आरती और भी अखंडता भारत और जो मोदी जी के जो बैक कवर का अखंड का जो भारत का जो एक फोटो वायरल हुआ था तो उसको मैंने यहाँ पे डाला है। एंड होप यू लाइक द पोर्ट्रेट। फर्स्टली मैं यहाँ पे साधु का स्केच करने वाला था और उसके बाद बनाते बनाते मैंने पता नहीं कैसे मेरे हाथ से लॉर्ड शिवा का ही फेस बन गया तो मैंने उन्हीं को रखा। एंड उसके बाद यहाँ पे एंड मुझे इस पूरे पोर्ट्रेट को बनाने में 5 hours and 20 minutes का टाइम लगा है एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगा। एंड पूरी का टेम्पल को ड्रॉ करने के लिए और श्री जगन्नाथ जी महाराज का टेम्पल को ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले ब्राउन कलर का लेयर दिया एंड देन फिर उसके बाद जहाँ पे डार्क पोर्शन थे वहाँ पे हल्का ब्लैक ही यूज़ किया एंड जहाँ पे भी ब्राउन ज़्यादा थे वहाँ पे ब्राउन एंड उसके बाद जहाँ पे डिटेलिंग था वहाँ पे मैंने 0.5 का लीड यूज़ किया हूँ। एंड उसके बाद मैं टेम्पल को फिनिश कर दिया, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देना पर ज़्यादा डिटेलिंग पर ध्यान नहीं दिया हूँ एंड कम डेटिंग पे ही अच्छा करने की कोशिश किया हूँ। एंड उसके बाद लॉर्ड जगन्नाथा का मैं यहाँ पे स्केच बना रहा हूँ।
एंड जगन्नाथ जी का स्केच करने के बाद मैं यहाँ पे जो गंगा आरती जो करते हुए जो युवक दिख रहे हैं मैं उनका कलर करूँगा एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे विष्णु सुदर्शन चक्र को ड्रॉ करूँगा एंड देन मेरा पोर्ट्रेट खत्म हो जाएगा। मैं पोर्ट्रेट को ख़त्म करने से पहले यहाँ पे बैकग्राउंड देने के लिए मैं यहाँ पे चारकोल पाउडर यूज़ किया हूँ ताकि एक अच्छा रेफरेंस मिल जाए, एक अच्छा पोर्शन मिल जाए, क्योंकि व्हाइट है सो मिक्सअप नहीं लगेगा। तो मैंने मिक्स करने के लिए विजुलाइज़ कर